नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काविद्र चौहान। और वक्त हो चुका है उत्तराखंड के खास बुलेटिन का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नैनीताल की इस खबर के साथ, जहां अपने दो दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल मंच से जनता को संबोधित किया और फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं को 2022 में होने वाले चुनाव के लिए जीत के मंत्र दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर बीजेपी कार्यकर्ता भारत सरकार व प्रदेश की जन जन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। इसके बाद मुख्यमंत्री ने देर शाम अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को तत्परता से जनता के काम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को हर रोज कार्यालय में 10 बजे से 12 बजे तक जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें, आज सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां नयना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां से आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली के लिए मां नयना देवी से प्रार्थना भी की है। ये तस्वीरें नैनीताल की हैं, जहां दो दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने आज मां नयना देवी के मंदिर पहुंच उनका आशीर्वाद लिया है और प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजधानी देहरादून के पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था को बनाए रखने, साइबर क्राइम पर रोक लगाने और पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस के कामकाज की समीक्षा भी की है। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि सितंबर में ही पुलिस विभाग रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो देहरादून में ये बैठक ली गई है और आपको बता दें कि पुलिस की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो सितंबर से शुरू कर दी जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया है। तो देहरादून में ये बैठक हुई है, जिसके विजुअल्स आप अपनी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। अभी इस सितंबर माह के अंत तक जो पुलिस विभाग में भर्तियां जो रिक्त हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हरिद्वार से 18 सितंबर को होने वाली है। बता दें, उधम सिंह नगर और नैनीताल में परिवर्तन यात्रा का पहला चरण समाप्त होने के साथ ही कांग्रेस ने हरिद्वार में दूसरे चरण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बताया है कि कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति के बाद यात्रा का हरिद्वार रूट जारी कर दिया जाएगा। बता दें, 18 सितंबर से 3 दिन तक हरिद्वार की सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में ये परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया, इस यात्रा के माध्यम से जनता के सामने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों को रखा जाएगा। साथ ही जनता को यह भी याद दिलाया जाएगा कि कांग्रेस सरकार के वक्त गरीबों, किसानों और मजदूरों आदि के लिए क्या क्या जनहित योजनाएं चलाई गई थी, जिन्हें बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद बंद कर दिया था। तो देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां पर परिवर्तन यात्रा के खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं और जल्द ही ये परिवर्तन यात्रा का जो दूसरा चरण है वो शुरू कर दिया जाएगा। हरिद्वार रूट वो तय किया जाएगा। ये यात्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो पहले चरण की यात्राएं रही थी उसका ये विजुअल है आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और दूसरे चरण की यात्राओं की शुरुआत जो है वो भी जल्द कर ली जाएगी। हरिद्वार का जो रूट है वो अभी तय किया जा रहा है। तो इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की नेतृत्व में ही ये पूरी परिवर्तन यात्रा का जो दूसरा चरण है वो शुरू किया जाएगा। हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने उत्तराखंड राज्य के अंदर 3 सितंबर से परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया, जो खटीमा से चल करके कल रुद्रपुर में समाप्त हुई। और मैं कह सकता हूँ, जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा में लोगों का हजूम आ रहा है, तो ये स्पष्ट संकेत है कि लोगों ने 2022 में परिवर्तन का मन बना लिया है और अगली परिवर्तन यात्रा 18 जो है सितंबर से हरिद्वार में प्रारंभ होगी। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के कार्यकाल में भोले भाले बेरोजगार युवकों से नौकरी के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा के कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के इस्तीफे की मांग भी की। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि देवभूमि में युवाओं को नौकरी देने के नाम पर जो लूट की जा रही है उस पर तत्काल रूप से पाबंदी लगाई जाए।
इस दौरान आप जिलाध्यक्ष मुकेश चावला व महानगर अध्यक्ष मनोज कौशिक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सवाल करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि प्रदेश का युवा नौकरी पाने के लिए कहां से रिश्वत लाए। प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग के द्वारा जिन एनजीओ को युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी है वो डोनेशन के नाम पर मोटी धनराशि वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा आपके वरिष्ठ नेता व रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के साथ नौकरी के नाम पर जो हुआ है वह एक घोर निंदनीय घटना है जो पूरे उत्तराखंड को देश और दुनिया के सामने शर्मसार कर रही है और इससे सिद्ध हो गया है कि बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार चरम तक फैला हुआ है जिसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है। तस्वीरें काशीपुर की हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रदेशव्यापी आंदोलन देखने को मिल रहा है। आंदोलन उस घटना के बाद है जहां सीएम फेज आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल को 25,000 की कथित तौर पर रिश्वत देने के आरोप में नौकरी मिलने का दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और सीधा आरोप महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के ऊपर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब आप इस्तीफा दीजिए नैतिकता के आधार पर क्योंकि आपके कार्यालय में 25,000 की रिश्वत लेने के बाद ये नौकरी दी गई है। आपने दो दिन पहले देखा होगा कि हमारे जो नेता है कर्नल कोठियाल जी सचिवालय गए थे एक अपना नियुक्ति पत्र लेकर जो बाल विकास महिला बाल विकास योजना में जो नियुक्तियाँ की जा रही हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा की जा रही हैं उस आउटसोर्सिंग कंपनियों में एक एनजीओ बनाई गई जिसमें ये कहा गया कि उसको डोनेशन दी जाएगी 25,000 रुपये आप डोनेशन करें तो आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। तो कर्नल साहब ने 25,000 रुपये का ऑनलाइन उसको डोनेशन दी और उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि क्या आज का युवा जो बेरोजगार है वो पहली बात तो वो 25,000 रुपये या 30,000 रुपये या 40,000 रुपये कहाँ से लाएगा और ये डोनेशन किस नाम से ली जा रही है ये कौन सा भ्रष्टाचार है इसको उजागर करें। हमारा ये सरकार से निवेदन है कि अगर टाइम से इसको उजागर करें नहीं तो हमारे युवा आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। कि कथित रिश्वत का आरोप लगा हुआ है और सीधे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं इसमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सरकार ने सख्ती से पेश आने का फैसला कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा के दौरान कहा है कि लव जिहाद व धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार कानून के अनुसार सख्ती से पेश आए किसी को भी धर्मांतरण और लव जिहाद की छूट नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि देश के कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ सरकारों ने मुहिम छेड़ रखी है और इसी कड़ी में सब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अब बताते हैं आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कर दिया है कि लव जिहादियों के खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। तो लव जिहाद का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और इसके साथ ही राजस्थान के बाद अब उत्तराखंड में भी ये मुद्दा एक सियासी मुद्दा बन चुका है। तो ऐसे में धर्मांतरण और लव जिहाद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए कहा है कि लव जिहाद के खिलाफ भी जल्द से जल्द और सख्त कदम उठाए जाएंगे और इसके खिलाफ प्रदेश में कानून भी बनाने की तैयारियां चल रही हैं। धर्मांतरण पर पहले से कानून बना हुआ है और उस पर और सख्ती से काम करेंगे। इस विषय पर हमारी चर्चा हो रही है। उत्तराखंड बीजेपी में चल रहे विवाद के बाद आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकारों से बातचीत की है। कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में जाने पर उन्होंने कहा है कि मुझे पहले ही इस बात का आभास था कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वाले नेताओं को कांग्रेस जैसा सम्मान नहीं मिलने वाला है और अब यही हो भी रहा है। उन्होंने बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ की पार्टी से चल रही नाराजगी पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विधायक काऊ को समझना होगा कि उन्हें बीजेपी में कांग्रेस जैसा सम्मान मिलना असंभव है। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि उनसे किसी बीजेपी विधायक या मंत्री ने संपर्क नहीं किया है लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बीजेपी के एक नेता ने जरूर संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि वह अभी नाम बताने की स्थिति में नहीं है पर समय आने पर जरूर इसका खुलासा किया जाएगा। तो बीजेपी में चल रहे विवाद पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वालों को कांग्रेस जैसा सम्मान नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को
अपनी पार्टी में मतलब बीजेपी में शामिल करने के लिए एक नेता ने फोन किया था। हालांकि उन्होंने नाम को डिस्क्लोज नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि नाम बताने की स्थिति फिलहाल नहीं है, वक्त आने पर वो नाम को भी एक्सपोज करेंगे, नाम भी बताएंगे। लेकिन उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेताओं से, बड़े वरिष्ठ नेताओं से बीजेपी के नेता संपर्क कर रहे हैं और उनको अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वालों को कांग्रेस में जो सम्मान मिला है वैसा सम्मान उन्हें वहां पर मिलना असंभव है। नहीं चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, बहुत कुछ चल रहा है अंदर अंदर, खिचड़ी बहुत पक रही है। और उमेश शर्मा काऊ मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे मित्र रहेंगे। मित्रता अपनी जगह है और राजनीतिक सोच अपनी जगह है। मैं जब ये लोग कांग्रेस छोड़ने की जब मुझे सूचना मिली 2016 में, मैंने उस दिन भी उमेश शर्मा काऊ जी को बहुत समझाया था, लेकिन अफसोस है कि वो मेरी बात उस समय नहीं माने और भारतीय जनता पार्टी के कुचक्रों में फंस गए। अब आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और संगठन से उमेश शर्मा काऊ जी ये उम्मीद करें कि ये सम्मान, जो सम्मान कांग्रेस में उन्हें था, वो सम्मान वहाँ मिल सकता है, तो ये असंभव है और वो अपने को स्वयं झूठी दिलासा दे रहे होंगे अगर ऐसा वो समझते हैं। तो उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा मानना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी का। उन्होंने कहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और अगर जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की सोच रहे हैं उनके लिए उन्होंने साफ किया है कि जैसा सम्मान आपको यहां पर मिला है वैसा सम्मान आपको वहां पर मिलना असंभव है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर उत्तरकाशी से है जहां यमुना घाटी के पर्यटन से जुड़े हुए छोटे बड़े व्यापारियों ने आज चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर यमुनोत्री धाम के लिए कूच किया, जहां सभी व्यापारियों को जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जानकी चट्टी में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया, जिसके बाद सभी व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारियों ने जल्द ही चारधाम यात्रा खोलने के लिए तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। इन व्यापारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते 2020 से चारधाम यात्रा बंद है, जिसके चलते पर्यटन से जुड़े हुए होटल, टैक्सी और तमाम छोटे बड़े व्यापारियों का व्यवसाय बंद है। व्यापारियों का कहना है कि जब नैनीताल मसूरी में पर्यटन खुल गया है तो सरकार ने चारधाम यात्रा को क्यों बंद कर रखा है। व्यापारियों ने कहा, चारधाम यात्रा बंद होने से आज हमारे सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हम लोगों ने होटल बनाने के लिए बैंकों से लोन ले रखा है, जिसकी किस्त हम लोग बैंक को अदा नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, चारधाम यात्रा बंद है और व्यवसाय भी बंद है, लेकिन होटलों के और दुकानों के बिजली और पानी के बिल लगातार आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अब तो घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है और अगर सरकार जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू नहीं करती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो चारधाम यात्रा को खोलने को लेकर एक बार फिर जो व्यापारी हैं वो लामबंद हो चुके हैं। उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं जहां पर यमुनोत्री को कूच करने की कोशिश की गई थी, यमुनोत्री धाम को, लेकिन बीच में ही बैरिकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन स्वरूप कहा है कि चारधाम यात्रा को जल्द खोला जाए, क्योंकि उनका तर्क है कि जब उन्होंने कहा है कि जब एक तरफ शिमला, मनाली और यहाँ की बात करें तो हरिद्वार जैसी जगहों को खोल दिया गया है, तो इसके बाद भी चारधाम यात्रा को क्यों नहीं खोला जा रहा है, मसूरी को खोल दिया गया है तो चारधाम यात्रा को क्यों नहीं खोला जा रहा है। उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि बिजली का बिल आ रहा है, पानी का बिल आ रहा है, लेकिन चारधाम यात्रा बंद होने के चलते उनका सारा कामकाज ठप पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान ये व्यापारी वहां पर अपनी चीजों को, अपने सामान को बेचा करते थे, लेकिन चारधाम यात्रा बंद होने के बाद से ही व्यापारियों का जो रोजगार है वो छिन गया है। इसको लेकर ये व्यापारी समय समय पर अपना प्रदर्शन करते रहते हैं। देखो, हमारे देश में इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है ये अपने आप को सनातन धर्मावलंबी पार्टी बोलती है, लेकिन जो इन्होंने विगत वर्ष 2019 में ये देवस्थानम बोर्ड बनाकर और चार धाम यात्रा बंद करके जो खिलवाड़ किया है चार धाम के साथ, वो जो है अक्षम्य है। और मैं तो कहता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, सन्मति दे और चार धाम यात्रा शुरू करे। इतने सारे बेरोजगार हैं, इन धामों से जुड़े हुए एक ब्राह्मण समाज नहीं है, हमारे होटल व्यवसायी हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं और सभी जितने भी जो है बहुत सारे टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, गाड़ियों वाले हैं,
तो सभी लोगों को जो है बहुत मजबूरी हो गई है। ये कहना चाहूँगा कि कोविड-19 महामारी में अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो है चार धाम का जनजन, और आज ये स्थिति हो गई है कि सारे लोग रोड पे आ गए हैं। रोड पे आना ये जाहिर करता है कि अब लोगों के पास कोई भी साधन या कोई भी सहारा नहीं रह गया है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि आप सबसे पहले चार धाम यात्रा शुरू करें। आज हम सभी यमुना घाटी होटल एसोसिएशन या और टैक्सी मैक्सी कैब महासंघ और अन्य सभी मजदूर यूनियन और व्यापार मंडल वाले जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारा मेन यही उद्देश्य था कि हम जानकी चट्टी से यमुनोत्री कूच करें, लेकिन हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे प्रशासन ने हमें रोक दिया है, तो हम सरकार से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि आप सबसे पहले चार धाम यात्रा यथाशीघ्र शुरू करें। उधमसिंह नगर के सितारगंज में सिडकुल रोड पर बाइक सवार दो युवकों को एक डंपर से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से सितारगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई और दूसरे युवक की गंभीर हालत देखते हुए उसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक सितारगंज से सटे गाँव पंडरी के रहने वाले थे, जो हादसे के वक्त सिडकुल से अपने घर लौट रहे थे। मामले में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिलाषा पांडे ने बताया कि 108 सेवा वाहन से युवकों को घायल अवस्था में लाया गया था, जहां एक युवक को मृत पाया गया व दूसरे की हालत गंभीर होने पर उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। तो डंपर से युवकों की बाइक की टक्कर हुई, जिसके बाद एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य घायल बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, बाइक सवार युवकों की जोरदार टक्कर हुई डंपर से। उधमसिंह नगर का ये पूरा मामला, जहां एक युवक की मौत हो गई है व एक अन्य जो है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसकी हालत गंभीर है उसे हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया गया है। बस दो लोगों को लेके आया गया था एक स्क्वाड द्वारा, जिसमें से एक की तो मौके पर ही डेथ हो गई थी, उसको यहां मृत लाया गया था, और दूसरा काफी घायल था, तो उसको प्राथमिक उपचार देने के बाद सुशीला तिवारी रेफर कर दिया गया है। उधमसिंह नगर के नानकमत्ता गुरुद्वारे में आगामी चुनाव को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक बैठक का आयोजन किया, तो वहीं पूर्व जनरल सेक्रेटरी प्रीतम सिंह संधू इस बैठक का विरोध करते नजर आए। बता दें, गुरुद्वारा में इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधान सेवक सिंह ने बताया कि इस बैठक का आयोजन आने वाले चुनाव को लेकर किया गया है, और इस बैठक में आगामी चुनाव में नानकमत्ता से एक स्थानीय कमेटी मेंबर को चुने जाने की जरूरत को लेकर बातचीत की गई है। वहीं नानकमत्ता गुरुद्वारे के पूर्व जनरल सेक्रेटरी प्रीतम सिंह संधू, जो कि मौजूदा कमेटी के सदस्य भी हैं, उन्होंने इस बैठक का विरोध करते हुए मीटिंग का बहिष्कार किया और बीच में ही बैठक छोड़कर चले गए। बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस बैठक का आयोजन उस कमेटी मेंबर के द्वारा किया गया है, जिसका कोई कार्यभार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने इस बैठक को असंवैधानिक भी बताया है। तो पूर्व जनरल सेक्रेटरी ने बैठक का बहिष्कार किया है। उधम सिंह नगर से तस्वीरें हैं, जहां गुरुद्वारे में 2022 के चुनाव को लेकर बैठक चल रही थी, और इस बीच पूर्व जनरल सेक्रेटरी बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। उन्होंने बताया कि जिस शख्स ने इस बैठक का आयोजन किया है वो कमेटी का मेंबर नहीं है, जिसके ऊपर कार्यभार हो। तो ऐसे में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नानकमत्ता से हैं उधम सिंह नगर के, जहां पर गुरुद्वारे में 2022 के चुनावों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन उस वक्त हलचल हो गई जब पूर्व कमेटी मेंबर ने बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। और पूर्व जनरल सेक्रेटरी ने ये भी कहा है कि जिस शख्स ने इस बैठक का आयोजन किया है वो कमेटी के मेंबर्स में कार्यभार नहीं संभालता है, तो ये कहते हुए उन्होंने बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। देखिए, आज जो बैठक थी वो कार्यवाहक सरदार धन्ना सिंह जो है उनके द्वारा बुलाई गई थी, जो कि असंवैधानिक थी, क्योंकि सरदार धन्ना सिंह के पास कानूनन तौर पर कोई ऐसा अधिकार नहीं था कि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक को बुला सकें। वो एक हमारे ऊपर यहाँ पे लोगों ने झूठा मुकदमा दायर करवाया था, उसके जमानत लेने तक मैं बाहर था, जिसलिए व्यवस्था की गई थी कि कार्यवाहक तब तक कार्यालय का काम जो है लंगर का नहा रखे, इसलिए व्यवस्था की गई थी। और चूंकि मैं 23 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा
मेरी जो जमानत है वो स्वीकृत हो गई है और मैं आज यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। और जो हमारे उपमंडल महोदय कार्यालय से जो आदेश जारी हुआ था वो ये हुआ था कि जब तक आप वहाँ पर उपस्थित नहीं होते तब तक के लिए ये प्रोविजनल व्यवस्था चलाने के लिए इसको रखा गया था। और मैं यहाँ पर आ गया हूँ, हमारे आने के बाद हमारे माननीय सदस्य लोग सारे उपस्थित हैं और वो उन्होंने आज की बैठक जो है निरस्त कर दी है। आज हम जो है अभी हमारे बीच में जो CEO साहब आए थे, क्योंकि कार्यवाहक जो धन्ना सिंह हैं उन लोगों का कहना था कि मुझे वहाँ के रजिस्ट्रार महोदय के आदेशानुसार यहाँ बैठाया गया है। 1 तारीख को एजेंडा जारी करके अपनी पूरी कमेटी को इन्फॉर्म किया था, एजेंडा भेजा था कि नई कमेटी की चोन पर विचार करने के लिए। तो उसमें से हमारे कुछ 16-17 मेंबर जहाँ मौजूद पहुँचे, उन सभी 16-17 मेंबरों ने सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास किया कि हमारी चोन समय से होनी चाहिए, हम सब आदमी सहमत हैं। और जो पिछली हमारी मीटिंग थी उसको भी उन्होंने अनुमोदन किया। उस मीटिंग में हमने कुछ विधान में अमेंडमेंट करी थी और आज की मीटिंग में भी ये तय हुआ कि हम सभी मेंबर अकाल तख्त को समर्पित हैं। जो आदेश अकाल तख्त का आएगा हम उसको फाइनल आदेश भारतीय होगा। जबकि हमारे कुछ साथियों ने इस बात पर आपत्ति करी कि ना तो SGPC का मेंबर आना चाहिए यहाँ पर और ना हम अकाल तख्त को इतनी महानता दें, लेकिन जो हमारे साथी थे 14-15 उन्होंने इस बात को नाम करते हुए तो कहा कि नहीं, हम अकाल तख्त को समर्पित हैं, जो अकाल तख्त देश का हमारा फाइनल होगा और उनका मेंबर यहाँ पर परमानेंट रहेगा। इसके साथ में हमने ये भी तय किया है कि जो हमारा मंजी सिंह मेंबर आता है उसको हमारी कमेटी सिलेक्ट करके साथ में। तो आज ये तय हुआ है कि जो हमारा चुनाव अधिकारी होगा वो ही हमको बजबी सिंह मेंबर चुन के देगा और उनको दूसरे मेंबर की तरह ही वोटिंग का अधिकार भी होगा और वो किसी ऑफिस बीर के लिए अपनी चुनाव भी लड़ सकते हैं। उसमें बजबी सिंह भी होगा और जो SGPC का मेंबर आएगा वो भी उसको ये अधिकार होंगे। और तीसरा हमने यह तय किया है कि जो हमारा बुद्धिजीवी मेंबर है आज तक उसका कोई रोल नहीं रहा है, वो मेंबर ना आकर हम जो हमारी नगर पालिका नाक मतलब खेड़ा है हम एक मेंबर उसका वो हमारा चुनाव अधिकारी चुनेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहली बार रुड़की आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी हरिद्वार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने रुड़की के नेहरू स्टेडियम का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का साथ ही जायजा लिया है। इस दौरान नगर विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद दिखे। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का रुड़की दौरा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और हर प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि CM पुष्कर सिंह धामी छबरेड़ा विधानसभा और रुड़की विधानसभा में कुछ नए कामों का लोकार्पण करेंगे और रुड़की सिविल हॉस्पिटल में ICU सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि इस बात का भी विशेष रूप से ख्याल रखा गया है कि जो आम जन मानस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उनको कोई असुविधा ना हो। तो रुड़की में CM पुष्कर सिंह धामी का दौरा होने को है, जिसको लेकर अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कही है कि इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि आम जनमानस जो वहाँ पर अपनी शिकायत को लेकर पहुँचेगा तो उसको भी किसी तरीके की असुविधा ना हो सके। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम होना है और इसी कार्यक्रम को लेकर आज अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया है, अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है और अधिकारियों ने साथ ही कहा है कि जो आम जन मानस यहाँ पर आने को हैं उनकी भी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और इसका भी ध्यान रखा गया है कि उनको किसी प्रकार की अपनी शिकायत को लेकर आने वालों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।